करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो क्या है कि हम लोगों को एंगल बी मींस इन ए ट्रायंगल एंगल एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है जिसमें कि गिवन क्या है, कोई भी एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। मींस अभी हम लोग हाइपोटेन्यूज नहीं बोल सकते क्योंकि 90 प्रूव करना है। तो मींस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये मुझे गिवन है, और प्रूफ क्या करना है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोगों को एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किए हैं, और ये ट्रायंगल ऐसा कंस्ट्रक्ट किए हैं कि जो हमारा साइड AB है वो DE के इक्वल हो और जो साइड BC है वो EF के इक्वल हो, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री है, ऐसा हम लोग एक कंस्ट्रक्ट किए हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो प्रूफ इन ट्रायंगल DEF एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में DEF ट्रायंगल में एंगल ई 90 डिग्री। तो अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो कि पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो डेट मींस DF का स्क्वायर इक्वल टू क्या, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। तो DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग जान चुके हैं क्या कि DE AB के इक्वल है, मींस DE के जगह हम लोग AB लिख सकते हैं और EF BC के इक्वल है, ये गिवन है कंस्ट्रक्शन से। तो EF के जगह हम लोग BC लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, DF स्क्वायर, DE के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB, DE के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस EF किसके इक्वल है, BC के। तो हम लोग EF के जगह पे लिख सकते हैं BC स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लिए, और ये जो गिवन है ये हम लोग गिवन में ये फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यार इक्वेशन फर्स्ट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इक्वेशन सेकेंड में भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ है, और ये राइट हैंड साइड ये भी राइट हैंड साइड मीन्स राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर, अगर स्क्वायर इक्वल है तो टेक्निक समझ सकते हैं AC इक्वल टू DF, मीन्स ये जो साइड है AC वो DF के इक्वल लिखती है, ठीक है। अब हम लोग क्या इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल ABC और दूसरा जो ट्रायंगल है DEF, इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो CD CD CA 90 है, तो ये भी 90 प्रूव कर लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हमें क्या दिया हुआ है कि जो साइड AB है AB साइड DE के इक्वल है, BC साइड EF के इक्वल है, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन से बता के, तो AB इक्वल टू लिख सकते हैं BE और BC इक्वल टू लिख सकते हैं EF। और अभी हम लोग जस्ट प्रूफ किए क्या कि AC इक्वल टू DF, हम लोग देख रहे हैं क्या कोरस्पोंडिंग साइड जो है वो इक्वल है, क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF बाई SSS क्राइटेरिया से। हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बाई CT CT से लिख सकते हैं क्या, एंगल B इक्वल टू एंगल E, डेट मीन्स 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल B हम लोगों को प्रूफ करना था 90 डिग्री, CP CT से क्या हो जाएगा, एंगल B क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या होगा बाई CP CT।
एंगल बी 90 प्रूव करना था, एंगल बी 90 डिग्री आ गया। ये था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब।